दोस्तों, आज हम करेंगे कि हवाला क्या है और कानून में इस शब्द का कहां पर प्रयोग किया जाता है और भारत में हवाला कारोबार किस तरह से किया जाता है और कितने बड़े पैमाने में किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ एंड इंग्लिश में। दोस्तों, हवाला यानी कि पैसों का लेन देन और किसी दूसरी कंट्री की जो करेंसी है उसको अपनी कंट्री में गलत तरीके से किस तरह से चलाया जाता है उसे हवाला कारोबार कहते हैं। हवाला व्यापार का मतलब किसी एक इंसान या कोई भी ऐसा इंसान जिसे हवाले के जरिए उसे पैसे देना और उस व्यक्ति द्वारा उन पैसों का ट्रांसफर करना। इस प्रक्रिया में अवैध रूप से एक देश से दूसरे देश विदेशी मुद्रा का विनिमय किया जाता है यानी कि ट्रांसफर किया जाता है। हवाला विदेशी मुद्रा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर है। यह दलालों द्वारा किया गया कारोबार या व्यापार कहलाता है। इस कारोबार से संबंधित व्यक्ति से रुपए लेने का अर्थ है अवैध रूप से प्राप्त रकम अवैध तरीके से लेना। कुछ व्यापारी या बिजनेस टाइकून हवाला के जरिए ही काले धन को गैर कानूनी तरीके से सफेद करते हैं। दोस्तों, भारत में हवाला कारोबार बहुत ही मशहूर है। हवाला कारोबार कई देशों में प्रमुख समस्या है जिसमें से भारत भी एक है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति वर्ष हवाला कारोबार का आकार 20 से 25 अरब डॉलर का किया जाता है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि 20 से 25 अरब डॉलर का ट्रांसफर किया जाता है भारत में या कोई भी विदेशी मुद्रा को इलीगल तरीके से बदला जाता है। भारत में सबसे अधिक हवाला का कारोबार केरल राज्य में होता है जो कि खाड़ी के कई देशों से बहुत बड़ी मात्रा में विदेश से हवाला के जरिए पैसा प्राप्त करता है। एक अनुमान के अनुसार केरल में हर साल 23,000 करोड़ का हवाला रुपया ट्रांसफर होता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर दिल्ली है। राजधानी में हवाला कारोबार का नेटवर्क बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। दोस्तों, सराफा और स्टील कारोबार में हवाला के जरिए न सिर्फ करोड़ बल्कि अरबों रुपए की हेराफेरी भी की जाती है। नोट के सीरियल नंबर के आधार पर यह पूरा खेल होता है। इसमें सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं बल्कि जेवरात स्टील की खरीदी करने पर कारोबारी का 3% GST भी बचता है और कच्चे में जेवरात व स्टील खरीद का भुगतान करने में प्रति लाख पर 0.5% यानी कि 500 रुपए ही कमीशन देना पड़ता है। तो दोस्तों, किस तरह से ये हवाला कारोबार काम करता है आज हमने जाना। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में ट्रांसफर किया जाता है उसे ही हवाला कहते हैं। दोस्तों, हवाला ही करप्शन का सबसे बड़ा मुख्य सोर्स है क्योंकि अगर सरकार के पास पैसे का हिसाब नहीं होगा तो वो किस तरह से उस पैसे को जनता की भलाई के लिए यूज करेगी। दोस्तों, आई होप आपको हवाला का ये मतलब समझ में आया होगा और कानून में इसकी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। सो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।